गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे अगेन आई एम गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल। प्रीवियस डे आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड वर्कशीट 5 विच इज रिलेटेड टू सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल एंड टूडे आई विल डिस्कस द रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल। फर्स्ट वी विल सॉल्व वन एग्जाम्पल। ए वायर इज in the form of a circle of radius 35 meter. It is now bent in the form of a equilateral triangle. Find the sides of triangle. एक सर्किल के फॉर्म में एक वायर है, यानी एक वायर को एक सर्किल के फॉर्म में कन्वर्ट किया गया। एक वायर जो सर्किल के फॉर्म में है और रेडियस 35 मीटर है। इट इज नाउ बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इसी वायर को बेंट किया गया इक्विलैटरल ट्रायंगल में। इट मींस वायर वही है, सिर्फ शेप चेंज हो रहा है। देन फाइंड द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल का हर एक साइड कितने लेंथ का होगा, यही फाइंड करना है। तो वायर सेम है, इट मींस हमें वायर के लेंथ पर विचार करना है। सो वी विल कंसीडर द लेंथ ऑफ वायर। लेंथ ऑफ वायर मींस सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल। ओके, रेडियस ऑफ सर्किल इज इक्वल टू 35 मीटर व्हिच इज गिवन। वी नो दैट circumference of circle, it means that is the length of wire which is in the form of circle. So circumference of circle is equal to 2 pi r, 2 into pi ka value 22/7 into r ka value 35 meter. 7 5s are 35 and after multiplication we get 220 meter. Now let's proceed. This wire, this length of wire is converted into, and it is bent in the form of a equilateral triangle. So first of all, let one side of an equilateral triangle be x meter, yani ki ये जो वायर है जिसको कन्वर्ट करके बेंट करके हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल के फॉर्म में कर दिया और हर एक साइड को हमने एक्स मान लिया, एक्स मीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, यानी कि सर्किल का सर्कमफेरेंस और पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल दोनों सेम होगा, क्योंकि लेंथ ऑफ वायर क्या है, दोनों सेम है। सो वी विल राइट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल जो हमने निकाला है वो 220 मीटर, और पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्योंकि तीनों साइड इक्वल है तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 3x, x प्लस x प्लस x, 3x। x इज इक्वल टू, एक्स फाइंड आउट करना है, 220 को 3 से डिवाइड करेंगे एंड वी गेट 73.33
मीटर. देयरफॉर x इज इक्वल टू 73.33 मीटर. दस वी कैन से दैट ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू 73.33 मीटर. क्वेश्चन नंबर 10 विच इज टेकन फ्रॉम वर्कशीट 5. रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ वर्कशीट 5. द डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर पार्क इज 140 मीटर. अराउंड इट ऑन द आउटसाइड ए पाथ हैविंग द विड्थ ऑफ 7 मीटर इज constructed. If the path has to be fenced from inside and outside at the rate of ₹7 per meter, find its total cost. एक circular park है जिसका diameter 140 मीटर है. इट मीन्स इनर डायमीटर. अराउंड इट उस सर्कुलर पार्क के बाहर चारों तरफ ऑन द आउटसाइड ए पाथ हैविंग द विड्थ एक रास्ता है और उस रास्ते का विड्थ यानी चौड़ाई 7 मीटर कंस्ट्रक्ट किया गया है. अगर रास्ते को फेंसिंग करना है अंदर से और बाहर से और अंदर और बाहर से फेंसिंग करने का खर्च ₹7 पर मीटर यानी 1 मीटर को अगर हम फेंस करते हैं सजाते हैं बेड़ा लगाते हैं तो ₹7 का खर्च आएगा 1 मीटर में. तो इनसाइड और आउटसाइड का जो सर्कमफेरेंस फाइंड आउट होगा तो उसके लेंथ में टोटल कॉस्ट कितना आएगा यही फाइंड करना है. सी द सॉल्यूशन. फर्स्ट वी विल ड्रॉ ए सर्कुलर पार्क. दिस इज द सर्कुलर पार्क हुज डायमीटर इज 140 मीटर. Therefore, radius is equal to 140 divided by 2, 70 meter. So, radius, inner radius is 70 meter. And the width of path, that is 7 meter, is given in the question. तो अंदर वाले radius को हम लोग R से represent करेंगे. और बाहर वाले रेडियस को 70 और 7 को ऐड कर देंगे उसको हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करेंगे. जैसा कि विड्थ ऑफ पाथ इज गिवन 7 मीटर देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू 70 प्लस इस 70 को विड्थ ऑफ पाथ से ऐड कर देंगे तो 77 मीटर. दिस इज द स्मॉल आर दिस इज द कैपिटल आर. सर्कमफेरेंस ऑफ इनर सर्किल. सबसे पहले हम इनर सर्किल का सर्कमफेरेंस फाइंड करेंगे. 2πr 2 इंटू पाई 22/7 इंटू आर 70 मीटर. 7 × 10 = 70 मल्टीप्लाई इट वी गेट 440 मीटर. यानी अंदर का सर्कमफेरेंस 440 मीटर फाइंड आउट हुआ. देन वी फाइंड सर्कमफेरेंस ऑफ आउटर सर्किल यानी बाहर वाला सर्किल 2πR. यहाँ स्मॉल r यूज करेंगे यहाँ कैपिटल r यूज करेंगे. 2 × 22/7 पाई के जगह पर और r 77 मीटर. 7 × 11 = मल्टीप्लाई करने के बाद 484 फाइंड आउट हुआ.
तो अंदर का सरकमफेरेंस और बाहर का सरकमफेरेंस दोनों फाइंड आउट हो चुका। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि फेंसिंग कितने लेंथ का करना है। तो लेंथ ऑफ फेंसिंग द पाथ, तो अंदर का पाथ और बाहर का पाथ पूरे को फेंस करना है, तो टोटल लेंथ हो गया 440 प्लस 484। तो 440 प्लस 484 को ऐड किए तो 924 मीटर, ये फेंसिंग करना है। और टोटल कॉस्ट कितना होगा फेंसिंग करने का, तो हमने जहाँ बताया था कि रेट ऑफ फेंसिंग द पाथ ₹7 पर मीटर, 1 मीटर फेंस करने का खर्च ₹7 है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, तो जितना लेंथ निकला है उसको हम सेवन से कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन वी गेट 6468, यानी 6,468 रुपया, यानी 6,468 रुपीज टोटल कॉस्ट फाइंड आउट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, विच इज ऑल्सो टेकन फ्रॉम वर्कशीट 5। ए सर्कुलर पीस ऑफ थिन वायर इज कन्वर्टेड इंटू ए रोम्बस ऑफ साइड 11 सेंटीमीटर। फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर पीस। एक वायर है, एक थिन वायर है, और उस थिन वायर को जो सर्कुलर रूप में है उसको हम कन्वर्ट कर देंगे रोम्बस में। यानी पहले वो थिन वायर सर्किल के रूप में था, अब उसे हम कन्वर्ट कर देंगे रोम्बस के रूप में। बट हेयर द साइड ऑफ रोम्बस इज गिवेन 11 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, एंड यू नो दैट द साइड ऑफ रोम्बस इज सेम। यानी रोम्बस के सभी साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो साइड दिया हुआ है और इस सर्किल का डायमीटर निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग रेडियस फाइंड करेंगे, फिर डायमीटर फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से यहाँ चलेंगे। साइड ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। देन वी फाइंड पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, 4 इंटू साइड, 4 इंटू 11 सेंटीमीटर, इट मीन्स 44 सेंटीमीटर। यानी ये जो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस है वो दरअसल लेंथ ऑफ थिन वायर ही है जो रोम्बस के फॉर्म में है। लेंथ ऑफ थिन वायर, नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू सर्कुलर फॉर्म। लेट रेडियस ऑफ सर्किल बी आर सेंटीमीटर। क्वेश्चन डिमांड्स द लेंथ ऑफ सर्कुलर पीस एंड द लेंथ ऑफ रोम्बस, यानी पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज विल बी सेम। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। फॉर्मूला ऑफ सर्कमफेरेंस इज 2πr इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, जैसा कि हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं 44 सेंटीमीटर। 2π का वैल्यू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 44। आर फाइंड आउट करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है, 7 ऊपर चला जाएगा, 2 एंड 22 नीचे चलाएगा। सी 22 से डिवाइड करेंगे 44 को, 2 टाइम्स, 2 2 कैंसिल, वी गेट 7 सेंटीमीटर। देयर फॉर आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, यानी रेडियस 7 7 सेंटीमीटर। बट वी हैव टू फाइंड डायमीटर ऑफ सर्कुलर पीस। तो डायमीटर ऑफ सर्कुलर पीस, एज यू नो दैट,
द फॉर्मूला ऑफ डायमीटर इज 2 इंटू रेडियस, 2 इंटू 7 सेंटीमीटर, 2 इंटू 7 14 सेंटीमीटर. देयरफॉर डायमीटर ऑफ सर्कुलर पीस ऑफ वायर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर. नाउ अगेन एक क्वेश्चन नंबर 13 विच इज ऑल्सो टेकन फ्रॉम वर्कशीट 5 एंड लास्ट क्वेश्चन टू बी डिस्कस्ड. ए रेस ट्रैक इज इन द फॉर्म ऑफ ए रिंग हुज इनर सर्कमफेरेंस इज 352 मीटर एंड द आउटर सर्कमफेरेंस इज 396 मीटर. फाइंड द विड्थ ऑफ द ट्रैक. सी हियर, ये एक ट्रैक है, रेस ट्रैक है, ओलंपिक्स में देखते होंगे दौड़ते हुए. ये रेस ट्रैक जो रिंग के फॉर्म में है जिसका इनर सर्कमफेरेंस 352 मीटर है और आउटर सर्कमफेरेंस, ये जो पोर्शन है आउटर सर्कमफेरेंस जो 396 मीटर है. हमें ये फाइंड करना है कि ये जो ट्रैक है इस ट्रैक की चौड़ाई कितनी है, विड्थ ऑफ द ट्रैक. तो सबसे पहले हम अंदर वाले रेडियस को आर मान लेंगे और बाहर वाले रेडियस को कैपिटल आर फाइंड आउट कर लेंगे, मान लेंगे. आफ्टर दैट सी हियर, लेट रेडियस ऑफ इनर एंड आउटर सर्किल यानी ट्रैक बी स्मॉल आर एंड कैपिटल आर रेस्पेक्टिवली. हमने अंदर वाले को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया, बाहर वाले को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया. सर्कमफेरेंस ऑफ द इनर रिंग इज गिवेन 352 मीटर. 2 पाई आर फॉर्मूला ऑफ सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 352. 2 पाई की जगह पर 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 352. आर फाइंड आउट करना है, 7 को ऊपर भेज देंगे, 2 और 22 नीचे आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होकर. आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट स्मॉल आर इज इक्वल टू 56 मीटर. इट मींस इनर रेडियस ऑफ दिस ट्रैक इज 56 मीटर. अगेन वी विल फॉलो circumference of outer ring. Similarly, as I have discussed inner ring, here we will discuss outer ring. Circumference of outer ring is given 396 meter. The formula is 2 pi capital R. तो outer के लिए हम लोग capital R use करेंगे और inner के लिए हम लोग small R use करेंगे. तो 2 pi R is equal to 396 meter. पाई की जगह पर 22/7, 2 इंटू 22/7 एंड कैपिटल आर इज इक्वल टू 396. सिमिलरली वी हैव टू फाइंड कैपिटल आर एंड 7 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ऊपर चला जाएगा और 2 और 22 नीचे आ जाएंगे. आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट 63 मीटर. देयरफॉर कैपिटल आर इज इक्वल टू 63 मीटर. तो सी हियर, तो कैपिटल आर यानी कि आउटर रेडियस इज 63 मीटर एंड इनर रेडियस इज 56 मीटर. जब आउटर में से इनर को सबट्रैक्ट कर देंगे तो हमें रास्ते का चौड़ाई यानी विड्थ ऑफ ट्रैक फाइंड हो जाएगा. नाउ विड्थ ऑफ ट्रैक वी हैव टू फाइंड इज इक्वल टू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर. कैपिटल आर इज 63 मीटर, स्मॉल आर इज 56 मीटर. वी गेट
7 meter. 63 में से 56 को सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड वी गेट 7 meter. देयरफॉर विड्थ ऑफ द ट्रैक इज 7 meter. ओके, थैंक यू.